बाकी सारे लोग भी उठ गए हैं और मम्मी तो खाना भी बनाने में लगी हुई है। इधर सुबह सुबह तो उठ के मतलब लगता है जैसे कि फिर से सो ही जाऊँ, लेकिन सुबह सुबह उठना भी ज़रूरी होता है वरना फिर सर में दर्द होने लगता है। अगर 9 से 10 बजे उठती हूँ तो धूप निकल जाता है, गर्मी का समय है ना इसके वजह से। तो जी अब चली ब्रश व्रश करने और बाकी लोगों को भी मिलवाती हूँ क्या क्या कर रहे हैं सारे लोग। और आज मैं सोच रही हूँ आपको, मतलब मुझे कुछ दिन में बैंगलोर निकलना है तो मैं आज सारा अपना सामान मतलब जो कपड़े हैं उसे अरेंज करना है। तो मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ अपना कलेक्शन, एंगल का और क्रॉप टॉप का कलेक्शन। तो बने रहो वीडियो में, जो जो नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अलीशु से गुड मॉर्निंग, जय माता दी। अरे अरे बोलो, अनीशा देखिए सुबह सुबह भी डांस करने में लगी है, सुबह के भी 8 बजे। क्या खा रही हो? ब्रश कर ली। क्या खा रही हो? दिखा दिखा। बिस्किट खा रही हो? कौन दिया, कौन दिया? दादी ला के दी। मेरा ही मम्मी, गुड मॉर्निंग। नहाए नहीं है आज, खाना बनना स्टार्ट हो गया। इधर देखिए, इधर दाल चावल सब्जी। क्या जी? तीसी बनाने में रह गए कल, तीसी पा रहे हैं। तीसी बना रहे थे उसको, सरसों का बोले। अच्छा, कल तिस्योरी बनेगा गाइस हमारे घर में। और इधर कहाँ गई उर्मी? ये देखे छुपी हुई रहती है। गुड मॉर्निंग। मुझे कुछ खुद से ब्लॉगिंग नहीं कर सकती है कभी है? बोलने का इनकारी है। 2 से 3 दिन मेरा ब्लॉग नहीं आया। क्या बोली? इसको सॉरी बोलो। किस लिए सॉरी बोलूं? रोने नहीं लगेगी, ये तो हंस रही है कि मम्मा का हेल्प नहीं करती है। अभी एक्चुअली पढ़ाई में लगी हुई है उर्मी, अभी स्टार्ट हो गया इसका सिलेबस तो इसलिए थोड़ा पढ़ाई में बिजी है। देख सकते हैं चेहरा भी कितना काला हो गया बेचारी का, सुबह सुबह धूप में। आज संडे है तो छुट्टी है, तो हम लोग का भी संडे घर में बन रहा है। मैं भी जा रही हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ता में मैं आज बना रही हूँ, जा रही हूँ पास्ता। और अभी खाना वाना भी बन रहा है तो खाना तो अभी सुबह सुबह इतना खाया नहीं जाएगा। आधे बजे तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। और आ सकते हो आप इधर, गोदरेज का मेरा क्या हाल है आपको दिखाती हूँ। उसके बाद ही मुझे सबसे कैसे सारा लग रहा है, जैसे खोलती हूँ लगता है जैसे गिर जाएगा नीचे, तो इसलिए मैं आज सारा इसे अरेंज करने वाली हूँ और इसे अरेंज करके फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अलीशु क्या लेके घूम रही हो? ओए क्या चाहिए? ओले पानी पियोगी? मैं कुछ तो नहीं क्यूँ, पानी नीचे गिरा हुआ वहां तुम चढ़ रही हो। कुछ तो जी खाने में बन रहा है अभी सोयाबीन और आलू की सब्जी और रोटी नाश्ते में और राइस और दाल। तो मैं जा रही हूँ अभी आलू सोयाबीन की सब्जी बनाने। और ये है सोयाबीन 4 पैकेट, ये पूरा मैं बना देती हूँ आज ताकि फिर कोई सोयाबीन का नाम नहीं बनाने का। मुझे सोयाबीन बिल्कुल पसंद नहीं। क्या चाउमीन चाउमीन नहीं है?
ये सोयाबीन है, सोयाबीन है, देख लो। ऐसे आलू छिलाते आप तो पहली बार देख रहे हो। पत्तगोभी के पत्ते पे रख के आलू छील रही है गर्मा गर्म, तो ज्यादा गर्म लग रहा है इसलिए छील रही है। बेचारी सुबह सुबह इसको भी उठ के काम करना पड़ता है। तो यहाँ हमारा बन गया सब्जी और यहाँ बन गया बॉयल हो गया हमारा पास्ता, आखिरी पास्ता। तो जी ये बन गया हमारा गर्मा गर्म पास्ता। मैंने तो एक कड़ाह बना दिया, उस दिन कम्बर आई थी तो ज़्यादा। चलो हम लोग नाश्ता करना, बहुत स्पाइसी बन गया। ऐसे मैंने सोयाबीन भी डाला, अच्छा बना, पूरा खत्म हो गया। मजा आया? बेकार लग रहा है, फिर भी देखिए मैं एक थाली लेके आई पूरा। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत टेस्टी। ऐसे ऐसे करती है, बहुत टेस्टी। कैसा लगा? क्या चाहिए? अटपुर। क्या? अटपुर। क्या बोल रही हो? अटपुर। क्या? अटपुर। स्पून। जाओ अपने फ्रेंड लोगों को खिलाओ, कम दो इन लोगों को खाने के लिए। चलो दो थोड़ा सा, कम। सो गाइस अभी हम लोग रेडी होके आए हैं छत पे रील्स बनाने। नीचे में बिल्कुल नेटवर्क नहीं रहता है। मैं अभी देखो अभी सेम गेटअप, और यहाँ देखिए उर्मी भी सेम गेटअप में। अभी हम लोग दोनों रील्स बना रहे हैं। अलीशिया सिंह के नाम से रील्स होगा, आप लोग जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। हम लोगों ने रील्स बना लिया है और अब बहुत मज़ा आया रील्स बना के। बहुत ज़्यादा रील्स बनाई हूँ सेम ड्रेस के वजह से, थोड़ा ज़्यादा और बना ली हूँ। और अब मैं जा रही हूँ आप लोगों को दिखाने अपना। इधर देख सकते हो मेरा सारा कपड़ा निकल गया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पता भी नहीं चल रहा था। शाम का समय हो रहा है तो आप लोग देख सकते हो कि मैं अभी क्या निकाल के बैठी हुई हूँ। एक्चुअली मुझे का और अपना डिजाइनर साड़ी जो होता है उसका कलेक्शन दिखाऊँ और क्रॉप टॉप का कलेक्शन दिखाऊँ। बाकी सारी चीज़ें भी मेरे बैंगलोर में हैं और कुछ कुछ चीज़ें मेरे मायका में भी है, तो जो मेरे पास अभी है अवेलेबल है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो चलिए, क्या आप लोग तैयार है मेरे लहंगों का कलेक्शन देखने के लिए? तो आइए मैं आप लोगों को सबसे पहला मेरा फेवरेट वन जो है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। So this is my one of my favorite designer साड़ी। So ये मैंने शादी के समय में लिया, सारा मेरा शादी का ही है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बेंगलोर में इस बार शादी में आई थी तो लेके आई हूँ। और मेरा शादी का लहंगा जो है बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मेरा खो गया। मेरा भाई राजा जिसका नाम है, वो मेरा लहंगा जो था बहुत ही खूबसूरत और बहुत एक्सपेंसिव था। और फर्स्ट शादी का जो जोड़ा होता है वो तो ऑब्वियसली सब कोई एकदम चाह से लेते हैं कि मेरा फर्स्ट मतलब शादी हो रहा है तो जितना भी होता है अच्छे से अच्छे लेते हैं। तो मैं भी बहुत शौक से ली थी वो, बट वो खो गया। शादी का एक साल भी नहीं हुआ और वो भूला गया वो राजा। मेरा बाइक से लेके जा रहा था, वो गिर गया कहीं, पता नहीं इधर ही कहीं गिरा है बाइक से। तो चलिए उसको भूल जाते हैं, उसका फोटो मैं लगा दूंगी जो मेरा जिसपे मेरा जयमाला हुआ था। तो उसी के साथ लहंगे के साथ साथ मैं ये अपना साड़ी खरीदी थी जिसका ये ब्लाउज है। ये देखो आप लोग, बहुत ही खूबसूरत है। इसे मैं लगा के देखती हूँ, ये देखो। सो ये इसका ब्लाउज बना हुआ दिया था, ये मैंने पटना खिदान मार्केट से सारा शॉपिंग मेरा शादी का वहीं से हुआ था। तो ये साड़ी का ब्लाउज हो गया पहला। सबसे पहले मैं साड़ियों का दिखा देती हूँ। और उस पर ये डिजाइनर साड़ी दिया हुआ, ये स्टिच है साड़ी, रेडी टू वेयर साड़ी है। ये इसका पल्ला हो गया, देख लो ऐसे करके, ये आंचल है इसका। दिस इज, ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है ऐसे करके। ये बना हुआ है साड़ी,
करती हूँ। तो ये साड़ी है और इसके ऊपर ये ब्लाउज, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत ही खूबसूरत लगता है, मैं इसे दो बार पहन चुकी हूँ। सो ये रहा मेरा शादी का यादगार, कम से कम लहंगा भूल गया लेकिन भुला गया, लेकिन कम से कम ये बचा हुआ है। सो ये मेरा पहला हो गया, इसे साइड में रख देते हैं और अब मैं दिखाती हूँ। सो ये है मेरा सेकंड लहंगा, एक्चुअली फर्स्ट लहंगा वो तो साड़ी था। तो ये जो लहंगा है ये मेरा शादी पे मुझे मिला था लड़के की तरफ से, जो कि कलर बहुत ही खूबसूरत है। इसका लुक थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया है क्योंकि शादी के 5-6 साल हो गया मेरा, उस समय पे बहुत सुंदर लगता था। कलर की वजह से मैं इसे अभी भी पहन रही हूँ, ये पिछले टाइम छठ में मैंने पहनी हूँ कुछ दिन पहले, जो इस बार छठ हुआ था। ये देख सकते हैं इसका लहंगा, ये भी बहुत खूबसूरत कलर है, इसका कलर की वजह से ही मुझे पसंद है ये लहंगा। और ये भी शादी का जोड़ा ही है। सो देख लो कैसा लग रहा है। सो ये मैं पहनी हूँ और मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। सो ये रहा मेरा फर्स्ट लहंगा और इसका ये पिंक कलर का चुन्नी और ये ऑरेंज कलर का ब्लाउज। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट लहंगा जिसे मैं रख देती हूँ साइड में। ये देखो अब मैं आती हूँ अपने दूसरे लहंगे पे। ये रहा दूसरा लहंगा जो कि मैंने लिया था, ये मेरी अपनी ननद की शादी में, बड़ी वाली ननद जो है उनकी शादी में मैंने ये लहंगा लिया था। ये है कॉफी कलर का शायद लहंगा है, ये भी बहुत खूबसूरत है और मैं इसे सिर्फ उनके शादी में पहनी हूँ। बाकी मैं सोच रही हूँ अभी मैं शादी है तो उसमें पहनने के लिए। ये उसका चुन्नी है, पूरा हैवी वर्क है चुन्नी में भी। और ये रहा इसका लहंगा, दिखाते को जो मेरा शादी का लहंगा था वो तो इतना हैवी था कि क्या ही बताऊं। सो ये रहा मेरा दूसरा लहंगा। सो ये भी बहुत खूबसूरत है, कलर भी इसका बहुत प्यारा है, लुक भी इसका बहुत अच्छा लगता है। तो इसे मैं बंद कर देती हूँ। इसका ब्लाउज ये मेरा सेकंड लहंगा हो गया। अब मैं इसे धीरे धीरे सारा सरिया के भी रख दूंगी। तो जी ये आ गया मेरा तीसरा लहंगा जो कि है मैरून कलर का। ये देखो ये भी बहुत ही खूबसूरत है और ये लहंगा मैंने लिया था अपनी सेकंड ननद की शादी में। ये देखिए ये मैरून कलर का है, बहुत ही खूबसूरत लहंगा। देखिए ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। सो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है पहनने पर। और इसका ये रहा लहंगा, ये बहुत हैवी वर्क में है। ब्लाउज देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा ना। सो ये मेरा हो गया तीसरा लहंगा। अभी वो शादी वाला रहता तो वो ये सब में से बेस्ट रहता, बट कोई बात नहीं, जो चला गया वो तो उसका क्या ही, अब अफसोस करना, अफसोस करके भी कोई फायदा नहीं। और ये रहा इसका चुन्नी, चुन्नी भी बहुत हैवी वर्क है इसमें भी, पूरा में गोटा पत्ती का काम किया हुआ है। ये देखिए। सो ये तो हो गया मेरा लहंगे, 3 लहंगा मेरे पास है तो वो हो गया। और ये अब मैं आती हूँ क्रॉप टॉप पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरा जो सबसे जो शादी के समय के बाद मैंने लिया था, ये रुद्र ने मुझे सबसे पहले दिलवाया था ये लहंगा, ये क्रॉप टॉप है, सॉरी राची से मैंने ये लिया था। ये देखो ये ब्लैक कलर का है, बहुत प्यारा है। और इसके बाद ये नीचे का है लहंगा जो कि काफी फ्लेयर है इसमें, बहुत ही ज्यादा इसमें घेरा है और लुक भी बहुत प्यारा आता है पहनने पे। इसे भी पहनूंगी कुछ दिन में। ये देखिए। सो ये रहा मेरा पहला क्रॉप टॉप शादी के बाद जो मुझे रुद्र ने गिफ्ट किया था। ये मैं अभी से साइड में रख देती हूँ, जो आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग बताना और कम दामों में मेरे से लेके चले जाना अगर आप लोगों को पसंद आए तो। सो ये रहा मेरा क्रॉप टॉप जो कि है ब्लू कलर का, ये भी
मैंने लिया है रांची से ही, और ये भी मुझे रुद नहीं दिलवाया था शादी के बाद, होली के टाइम का शायद ये लिया हुआ है, मुझे याद है। अपर बाजार से रांची से वो मुझे दिलवाए थे ये, और एक साड़ी। तो साड़ियों का कलेक्शन मैं आपको भी और दिखा दूंगी, अभी मैं लहंगा सारा अपना सेट कर रही थी तो इसके वजह से मैं आप लोगों को लहंगे का कलेक्शन और क्रॉप टॉप का कलेक्शन दिखा देती हूँ। सो ये रहा मेरा दूसरा क्रॉप टॉप, ये इसका नीचे का और ये इसका ऊपर का। इसलिए गर्मी बहुत है तो पसीना भी थोड़ा बहुत आ रहा मुझे। सो ये रहा, तीसरे। सो उसके बाद शायद मैंने ये लिया था, यस। इसके बाद ये पिंक कलर का है, इसका ये ब्लाउज, ये मैंने नवादा से लिया था जो कोई खास नहीं है पर फिर भी ठीक है। इसका ऊपर मैं दूसरा खरीदी हूँ, ये मुझे पसंद नहीं उतना आया था, बट नीचे का मुझे लहंगा इसका काफी खूबसूरत लगा था, इसके वजह से मैंने ये लिया। ये रहा नीचे का लहंगा, दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज्यादा घेरा है इसमें। ये मैंने दिवाली पे पहना है, मैंने ब्लॉग में देखा है, दिवाली का ब्लॉग में ये मैंने बैंगलोर में पहना था। सो दिस इज माई थर्ड क्रॉप टॉप, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा इसका। सो ये तो मेरा हो गया तीसरा क्रॉप टॉप, और अब मैं आती हूँ चौथे पे, जो कि मैंने लिया है ये, ये लिया है मैंने अपनी बहन के साथ, मेरी बहन का साड़ी था पिछले साल। सो ये मैंने लिया है बैंगलोर से, ये बहुत खूबसूरत राजस्थानी शॉप से मैंने लिया था। एंड ये इसका ब्लाउज रहा, इसका कलर बहुत ही प्यारा है, पहनने पे लुक बहुत सुंदर आता है इसका। ये भी बहुत खूबसूरत लहंगा है, लहंगा भी क्रॉप टॉप ही बोलते हैं। तो ये हो गया मेरा कितना चौथा, और अब मैं आती हूँ पांचवे पे, जो कि ये मैंने इसी तीन मंथ पहले जो आई थी मैं शॉपिंग की हूँ उस टाइम पे मैंने ये लिया था, येलो कलर का है ये, ये ऊपर का टॉप है, और ये रहा नीचे का जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैनकेन दिया हुआ है, बहुत हैवी कैनकेन है, ये देखो देखो इसमें एकदम खड़ा रहता है ऐसे। सो ये मैंने इस बार लिया था जो कि मैंने काली पूजा में पहनी हुई, दिस इज सो ब्यूटीफुल, कलर बहुत ही प्यारा है इसका, पहनने पर बहुत खूबसूरत लगता है, ये देख लो। और ये हो गया मेरा पांचवा, कैसा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, क्या ही पूछना। और ये रहा मेरा फेवरेट वन, जो कि बहुत ही जिनसे मुझे रुद्र ने दिलवाया बोल के कि बहुत ही सुंदर है। सो ये मैं पहले आपको नीचे का दिखा देती हूँ, इसमें भी हैवी कैनकेन दिया हुआ है। एंड ये लहंगे पे यहाँ पे काम किया हुआ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे से आपके कमर पे ये सेट हो जाता है। मैं पहनी हूँ पिछले टाइम शादी में, 2 महीने पहले जो शादी था मेरी ननद का, तो उसमें मैंने ये पहना है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये लहंगा, और उसके ऊपर ये काफ़ी डिजाइनर है, देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है पहनने पर। सो ये इसका चुन्नी काफ़ी सिंपल दिया, और यही है। और एक लास्ट, तो ये मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद है क्योंकि ये रुद्र का बहुत ही फेवरेट है, तो इसके लिए मुझे भी पसंद है। तो ये हो गया, और एक लास्ट बट नॉट द लेस्ट, तो ये है डिज़ाइनर साड़ी, रेडी टू वेयर साड़ी, जो कि मैंने लिया था पटना से। तो ये है ब्लैक कलर का, ऐसे बहुत ही खूबसूरत हार्ट शेप में इसका ब्लाउज, और ये है साड़ी, ये भी रेडी टू वेयर ही साड़ी है, देखो तो इसका ऐसे करके आंचल दिया हुआ इसमें, और ये इसका बटन वाला साड़ी, ये देख सकते हो ऐसे कमर पे आपको बना के देता है प्लेट, जो आप बस इसे पहनो बस रेडी हो जाते हो। सो बस मुझे तो दिखाते दिखाते गर्मी इतनी, कलेक्शन जैसे कि शॉप खुल जाए, अगर दुकान में खोलने बैठूँ तो इतना ज़्यादा है।
जिसे जिसे अगर चाहिए आप मुझसे थोड़े कम दामों में ले सकते हो, लेके जा सकते हो। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया। अगर अच्छा लगा हो मेरा ये एफर्टेबल वीडियो तो प्लीज़ खूब सारा वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए और बहुत दूर तक ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि जैसे जैसे ये वीडियो मेरा नहीं अच्छा लगता हो वो भी अच्छा लगने लगे, क्योंकि इतने जितना भी मेरे पास जो था वह मैं आप लोगों को दिखाई। सो बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय बाय, बंद करो यार।